हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैं आपको के बीच में प्रत्येक मैं वीडियो क्लास में लेकर के आ रहा हूँ और शायद आप लोग हमारी क्लास को अच्छे से नाम को जान रहे हैं, एमएन कॉमर्स क्लास मेरा क्लास का नाम है और यही आपको यूट्यूब चैनल भी है। तो सभी बच्चों को मैं ये बताऊंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अकाउंट कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो है आपको मिलता जाएगा। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक होगा तो वो है गेयरिंग रेशियो के बारे में, जो मैं पिछले क्लास में भी गेयरिंग रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और आगे मैं आपको बताया था कि मैं अगले क्लास में मैं हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आप देखें क्या है, आगे देखता हूँ। सात नंबर क्वेश्चन मैंने ये उठाया है, आप डॉक्टर एस के सिंह के बुक को यूज करें या टी एस अग्रवाल जो सीबीएसई के लिए है उसको आप यूज करें। दोनों को आप यूज करेंगे तो दोनों आपको सिर्फ नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है हम लोग का क्वेश्चन। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर। देखिए ए बी सी और डी क्या है, पार्टनर है, ए बी सी डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:1:1:2 मतलब क्या, चार पार्टनर है और चारों पार्टनर का रेशियो हमको ए बी सी डी का दिया गया है। अब आगे देखते क्या है, रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ दिया हुआ है। सी लिखा है एंड बी, सी लिखा है ए कॉमा बी एंड डी, मतलब सी का विदाई कर दिया तो अब क्या दो पार्टनर बचा है, तीन को ए बी डी, क्योंकि आपका सी विदाई हो गया। फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो मतलब भविष्य जो लाभ अनुपात को इक्वली में बांटेगा, मतलब क्या बराबर में बांटेगा। तो अब है फाइंड गेनिंग रेशियो, मुझे निकालना क्या है गेनिंग रेशियो। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन देखने क्या है। यहां से मैं स्टार्ट ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, आप रेशियो रखेंगे 1:1:1:2। अब देखेंगे आप इसका रेशियो बतोएंगे और में 1, 2, 3 इसको ऐड करेंगे 3, 1, 4, 2, 6 1:6:2:6:1:6:2:6 ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब आपको इसमें सी विदाई करना है तो सी को आप घेरा पाओ, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ए बी एंड डी का क्या इक्वली, तो यहाँ पे सी विदाई कर रहा है ना, तो आगे में आप लिख दे सी जो पार्टनर विदाई कर जाएगा वहां पे हम क्या करेंगे, डैश रख देंगे। क्या करेंगे, डैश रख दीजिएगा। अब इसको और में बोलिए 1:3:1:3:1:3 मतलब क्या, डैश डैश का मतलब क्या, ये रिटायर किया हुआ था इसलिए इसको भी घेरा में ले लीजिए, ठीक है, इसको भी आप घेरा में। अब ये काम हो चुका, अब मुझे आगे का काम, मुझे प्रोसेस को करना होगा। तो अब क्या फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा गेनिंग रेशियो बराबर, तो सुन लीजिए गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या ये सही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक अब सबसे पहले ए शेयर बराबर, अब कितना है छोटू न्यू रेशियो को 1:3 माइनस का साइन है माइनस दे दो। अब ए का ओल्ड कितना है 1:6। अब देखो छोटू इसको क्या करोगे तुम, एलसीएम निकालोगे, ठीक है, इसको जो काम करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2, अच्छा कैसे 3 × 6। अब ये 1 का 1 ये 6 = 1:6, ठीक है। अब बी का छोटू निकालो, बी शेयर बराबर, अब कितना बी का भी कितना 1:3 और बी का देखो ओल्ड कितना 2:6। तो छोटू देखो 3 × 6, अब इसको काम करोगे 2 − 2 = 2 मतलब 6 = 0, इसको आप क्या बोलोगे नील, ठीक है। अब सी रिटायर कर गया है तो सी रिटायर कर गया तो सी का काम आप लोग नहीं करेंगे, काम किसका करेंगे डी का, डी शेयर बराबर, अब डी का 1:3 माइनस डी का 2:6। अब देखो छोटू फिर इसको काम करोगे 3 × 6 मतलब 2 माइनस का माइनस, अब फिर इसको काम करोगे तो कितना हो जाएगा 2 / 6 बराबर ये कितना हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा नील। मतलब इस प्रकार से हमने देखा तो ए बी सी एक फॉर्म में 3 सारेदार हैं जिसमें आपका ओल्ड रेशियो दिया जाएगा और फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो भी दिया जाएगा। उसमें हो सकता है जो सी का रिटायर कर दे, तो जैसे इस क्वेश्चन में सी का रिटायर किया है तो जो पार्टनर रिटायर कर दिया है उसको मुझे घेरा लगाना है। आप रेशियो जो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बुक में जो आपको बताया गया है उसको रखेंगे और उसको और में कोल करके जितना होगा उसको क्या करेंगे घेरा मार देंगे और सी का काम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सी क्या हुआ है रिटायर कर दिया है। तो आपके पास कौन बचा है, जब सी रिटायर कर गया तो आपके पास कौन बचा है, ए बी और डी। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया। अब देख लीजिए मींस अब देखना चाहो कि यहाँ पे मुझे क्या क्या काम हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ए क्या कर रहा है और सी क्या कर रहा है, मेरे हिसाब से ए गेन कर रहा होगा और सी सैक्रिफाइस कर रहा होगा, यही हम तुम लोग को मैंने काम किया होगा। ए क्या कर रहा है, ए गेन
1/6 there. आया ना? Yes, sir. A comma C. Second C, five. Sacrifice there, 1/6. मतलब क्या? Gain और sacrifice में हमें gain को बताना था और sacrifice को बताना था. तो जो पार्ट में निकाय कर गया है उसके भाग को हम क्या करेंगे? Sacrifice. निकाय कौन किया है? C. तो C का कितना था? 1/6. तो वो क्या हो गया? Sacrifice. और A, B, D में हम लोग जो काम किए हैं तो B और D निम्न हो गया है और A का हम लोग का काम करके निकाल रहे हैं 1/6. तो 1/6 जो निकाल रहे हैं तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? गेन. इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया. और अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच में आ रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे. और सेकेंड पार्ट का अभी एग्जाम चल रहा है. अभी जो बिजनेस इन लॉ का जो पेपर हुआ है जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा काम करके आप आए हैं. जो बच्चा रेगुलर क्लास दिए उनका रिजल्ट प्लस बुक वैल्यू नॉलेज वो आपके पास बेस्ट होगा. तो अब चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग. चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है. तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो अब आपका ए नंबर क्वेश्चन है. देखिए आपको जो क्लास जो मैं ये क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं आप लोग को, तो इसको जब जो स्टार्ट होगा ना आपका वीडियो, तो 144/360 पे आपका वीडियो स्टार्टिंग होता है. तो 144/360 पे आप क्लास को जो कर रहे हैं, आप जो वीडियो से आप पूरे क्लास को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो कर रहे हैं, तो आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा क्या करें? अप कर दें, हाई कर दें, 720p पे लेके जाए. जो हाई क्वालिटी पे लेके जाएंगे तो आपको क्या होगा कि वीडियो पूरा का पूरा आपको क्लियर दिखाई देगा और आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं. और जनरली बच्चा क्या होगा कि क्लास का वीडियो जो स्टार्ट करते हैं तो वो जो वीडियो क्वालिटी को 144p पे जो स्टार्ट होता है तो उसको जो है वो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा हाई नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों को क्लियर नहीं दिखाई देता है. तो यहाँ से क्लियर है, जनरली कोई भी वीडियो आप स्टार्ट करोगे तो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा आपको हाई करना होगा. 360p से 720p पे लेके जाएं आपको वीडियो क्वालिटी बेहतर दिखाई देगा. तो चलिए देखते हैं क्या है. एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर सेलिंग प्रॉफिट इन द रेशियो. मतलब देखिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 3:1:2 दिया हुआ है. अब उसमें क्या कर रहा है? वाई रिटायर्ड, मतलब वाई का क्या हो गया? रिटायर हो गया. रिटायर का मतलब क्या? अब वो अवकाश ग्रहण हो गया, छुट्टी ले लिया भैया छुट्टी. अब वो काम करने में सक्षम नहीं है. तो अब नहीं है तो आप देखते हैं आगे क्या है, कौन है. तो एक्स एंड जेड डिसाइडेड, मतलब क्या? एक्स एंड जेड. वाई क्यों नहीं? क्योंकि वाई क्या है? रिटायर कर गया. वाई जो रिटायर हो गया है तो वाई की बात हम अभी नहीं करेंगे रिटायरमेंट में. तो जो बचा हुआ पार्ट में उसकी बात करेंगे. कौन बचा हुआ है? एक्स एंड जेड डिसाइडेड इन द फ्यूचर. अब देखिए डिसाइडेड इन द प्रॉफिट फ्यूचर, मतलब क्या? जो प्रॉफिट है उसका फ्यूचर रेशियो क्या बता रहा है? 4:3. प्रॉफिट का फ्यूचर रेशियो एक्स एंड जेड का 4:3 आपके क्वेश्चन में दिया गया है. अब देखिए आगे क्या है, क्या होगा? कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. मतलब क्या? गेनिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग नहीं छोड़ो तो गेनिंग रेशियो निकालोगे. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को काम करूंगा यहाँ पे ए बी सी नाम से दिया उस नाम को रख लीजिए, एक्स वाई जेड नाम से दिया एक्स वाई जेड को रख लीजिए, राम श्याम मोहन के नाम से दिया था उसको रख लीजिए, गीता सीता रीता के नाम से दिया उसको रख लीजिए. मैं नहीं करूंगा, कोई भी बुक से कोई दिक्कत नहीं. आप बहुत बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको किसी कारण वो अभी तक भी क्लास नहीं कर रहे हैं, तो आप देर ना करें. आपको जैसे सुविधा होगा आप एनी हाउ जितना जल्दी होगा आप क्लास अटेंड करें और सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ें, पूरा सिलेबस पढ़ें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके. और जब आप सीनियर क्लास में जाए तो वहाँ पे और भी बेस्ट आपको यहाँ पे जो काम किया रहिएगा तो सीनियर में जाने के बावजूद आपको वो टॉपिक पूरे पकड़ में आएगा, समझ में आएगा. तो चलिए देखते हैं आगे क्या है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं. एक्स वाई जेड तीन नाम, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, सभी रेशियो क्या है? 3:2:2 और में तोड़ दो 3:2:7 आया ना? 3:7:2:7 एक्स वाई जेड. एक्स रिटायर कर दिया है ना, एक्स रिटायर किया है ना, एक्स को घेरा मार, कोई दिक्कत नहीं. अब छोटो यहाँ पे भी एक्स को घेरा मार हुआ, ठीक है. अब फ्यूचर रेशियो कितना दिया है? 4:10. जो रिटायर कर गया है, जो पार्ट में रिटायर कर गया है वहां पे आप डैश रख दो, वहां पे आप डैश रख दो. अब उसके बावजूद कितना है? 3, ठीक है. इसको और में तोड़ो 4:3 को, तो 4:7. और ये रिटायर किया है तो इसको भी घेरा मार दो छोटो नीक से. हाँ चलो कर दिया. और 3:7 ठीक हो गया. एक्स वाई जेड में वाई रिटायर कर गया, वाई को मैंने क्या कर दिया? घेरा कर दिया और डैश कर दिया. अब हम लोग को जो काम करेंगे तो अब काम करते समय यहाँ पे ध्यान देना होगा गेनिंग रेशियो का. गेनिंग रेशियो बोलिए या शेयर बोलिए या आप शेयर बोलिए, क्या होगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इस पे हम लोग बात करेंगे. तो अब हम लोग को न्यू शेयर सबसे पहले उठाना होगा. किस नाम का? एक्स शेयर बराबर. अब कितना है न्यू का? 4:7 माइनस. अब एक्स
इसका देख लीजिए और से है, कितना दिया हुआ है? 3/7। ये क्या हो गया? और शेयर, ठीक है। ये क्या हो गया? न्यू शेयर। ये ऊपर वाला हो गया ओल्ड शेयर, मतलब ओल्ड रेशियो। क्या हो गया? ओल्ड रेशियो, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे काम करना है तो मैं काम करूंगा, तो किस प्रकार से काम करूंगा? तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे काम करेंगे या नहीं करने वाले हैं? करने वाले हैं। क्यों? तो यहाँ पे कितना होगा? 7 × 28 + 7 × 21। अब ये कितना हो जाएगा? 49। बराबर में कितना हो जाएगा? आप इसको माइनस कर दो, कितना? 7/49। अब इसको आप काम करोगे, देखो अब मैं क्यों बोला इस प्रकार से, अब इसको भी करो। 7 × 7 = 7। अब 1/7 आया, छोड़ो। एक ये प्रकार से काम हुआ, दूसरा 4 में से 1 को माइनस करो, छोड़ो, कितना हो जाएगा? 1। अब देखो 4 में से 1 को माइनस करो, 3। जो यहाँ पे न्यू के बारे में हमने बात किया था, क्या था? Yes, तो अब यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, तो 4 में से 3 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 1। और 7 × 7 1/7 आया। और यदि ये ट्रैक पे भी हमने ऐसे मैंने पूरे काम किया है तो क्या इस पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखो 7 × 28 माइनस का माइनस, 7 × 3 = 21 7 × 7 = 49। अब इसमें से माइनस किया, कितना हुआ? 7/49। अब इसको काट दो, 7 × 7 = 7 7 × 49। अब ये कितना गया? 1/7। अब y विदाई कर गया छोटू, तो आप z शेयर का निकालो, z शेयर का कितना है? 3/7 माइनस 2/7। अब देखो इसको भी हम चाहे तो डायरेक्टली माइनस करके निकाल सकते हैं, और चाहे तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 × 21 अब 7 × 14 अब 49। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। हाँ, हो जाएगा 21 में से 14 को माइनस करो, कैसा आएगा? 7। 49 × 49 = 7 अब इसका न्यू रेशियो हो जाएगा, चूंकि गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड बराबर कितना? 1/7 / 1/7 और में तो 1/1 का ये बुक में दिया हुआ है। क्या है तुम्हारे पास? है तो मैंने क्या काम किया? कुछ नहीं किया, मैंने प्रोसेस के साथ मैंने इसका काम किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्रोसेस के साथ किया। अब एक नाम x y z है, कोई दिक्कत नहीं, नाम ये a b c d आ जाता, d भी दिखाई होता, तो प्रोसेस हम लोग सेम रखते छोटू। तो मैंने वही किया, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब x शेयर, क्योंकि x बचा हुआ था y के निकाल के बाद, अब न्यू शेयर कितना दिया होता? 4/7, क्योंकि 4:3 का रेशियो, 4/3 का मैंने रेशियो तो हुआ है, तो 4/7 - 3/7। आप जब यहाँ से माइनस का होता है 4 में से 3 तो 1 आ जाएगा, 7 × 7 = 1/7। ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आप काम करते हैं तो देखो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 × 28 माइनस का माइनस, 7 × 3 = 21, 7 × 7 = 49। अब बराबर आप इसमें से क्या करोगे? इसको माइनस कर देना, 28 में से 21 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7। ये 49 × 49 7/49 7/49। अब 7/49 का ये कट रहा है, 7 × 7 7 × 7 = 49 1/7। अब y का काम करेंगे? नो, तो नहीं करेंगे y का काम, तो y क्या किया? फॉर्म से रिटायर हो गया, जो रिटायर हो गया उसका काम नहीं करना है, जो बचेगा उसका ही काम करना है। अब जेड शेयर, जेड का कितना न्यू शेयर है? 3/7 माइनस का माइनस, जो फॉर्मूला में था, और ओल्ड कितना है? 2/7। अब इसका काम करें, हम यहाँ से डायरेक्ट माइनस करेंगे, 1/7 आता है, 3 में से 2 को माइनस करो, 1/7 = 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 7 × 21 माइनस का माइनस। अब देख लीजिए, अब 7 × 14 अब ये दोनों को गुणा करेंगे, अब 7 × 7 = 49 इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? 7/49 7/49 को काटेंगे, 7 × 7 = 49 1/7। अब क्योंकि हम लोग किसका काम किए? गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z का, x का कितना निकला? 1/7 और z का कितना निकला? 1/7 और में तो कितना? 1/1 क्यों? आपको मैंने बताया था कि n / d नॉमिनेटर रखता, डिनोमिनेटर अंश रखता है, शायद ये हम लोग पिछले क्लास में क्लास 8 और 9 में आप लोग ये पढ़े होंगे, डिनोमिनेटर रखता डिनोमिनेटर अंश रखता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम लोग ये यहां तक हम लोग रखे हैं कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ए तक ये गेनिंग का, अब जो हम लोग का नया टॉपिक होगा वो आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं उसको भी मैं लेकर के मैं अगले मैं कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप जब भी करते हो तो कोई चैप्टर को स्टार्टिंग से बेस्ट रखो तो इन आपका बेस्ट होगा। और जो भी बच्चे अभी तक क्लास नहीं रेगुलरली में आते हैं वो बच्चे क्लास रेगुलर रखे, मैं सभी वीडियो में मैं आपको कहता हूँ कि घबराने की बात नहीं है। हाँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वो काम कर रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, एडमिशन चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो या ग्रेजुएशन हो, समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप बेहिचक आप एम एल कॉमर्स क्लास नंदू सर से आप मिलिए, नंदू सर का क्लास ज्वाइन कीजिए, और आप 2 से 3 क्लास करोगे आपको यकीन देता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आने लगेगी। और अब यदि आप इंतजार कर रहे हैं वेट कर रहे थे किस चीज का, क्योंकि आपके पास तो टाइम है नहीं, 6 मंथ 6 मंथ में आपको 5 सिलेबस 5 सब्जेक्ट है जिसको आपको बेस्ट बनाना है, सभी में 60 मार्क्स है, 60 नंबर
60 मार्क का मतलब हो जाएगा आपको सभी सब्जेक्ट में आएगा तो ही आपको फर्स्ट डिवीजन बन सकता है। अब उसी पर रिजल्ट आ जाएगा, इतनी नॉलेज कहां से मिलेगा, नॉलेज के लिए आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा तो आगे उस बच्चे का ज्यादातर फायदा है। टाइमिंग है 4 o'clock, 4 बजे शाम से बैच अभी चल रही है तो 1.5 घंटा का बैच है और आप जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से टाइम है, दिक्कत नहीं है, आप अवश्य ज्वाइन करें। लेट ना करें क्योंकि सिलेबस आगे निकलने के बाद फिर बैक में जाना उस चीज को करना थोड़ा सा समस्याएं हो जाती है। अब देखिए ऑनलाइन पे मैं क्लास ले रहा हूँ या ऑनलाइन का क्लास का वीडियो मेरे पास है और मटेरियल है हमारे पास, मैं आपको दे भी दूंगा काम उसको करेंगे तो कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी, मैं क्लियर भाई बोलूंगा। लेकिन आप यदि ऑफलाइन की क्लास आप ज्वाइन करें और जिनको ना भी कुछ आता हो, अभी का आप हमको लगता है 100% में से आप 20% ही कम किए, घबराइए नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, 6 मंथ है, आप हमें समय दें, मैं आपको परिणाम दूंगा। मेहनत जैसा भी आपको, मतलब मेहनत हम सभी का चाहे जैसा भी हो, मेहनत जैसा भी हो, जैसा भी आप करें लेकिन परिणाम जो है आपका रिजल्ट जो है शानदार और लाजवाब होनी चाहिए तो मजा आएगा उस मजा। और ये चीज 80%, 85%, 90% में जाने के लिए हमें सबसे पहले क्लास को समय देना होगा और घर पे समय देना होगा। यदि आप क्लास के टीचर को आप समय दे रहे हैं और आपका क्लास मैं चारों सब्जेक्ट में आपको देर से 2 घंटा उतना ही प्रीमियम मैं तो मैं सिलेबस पूरा कर पाऊंगा। और यदि आप कह रहे हैं कि 1 घंटा के सिलेबस के मैं 1 घंटा के काम करने से मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लूं, ये असंभवता दिखाई दे रहा है। हाँ, और यदि 1 घंटा क्लास और भी जगह है जो आप 1 घंटा क्लास करने से आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, आप इस चीज को पूरा करें देखें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं देर से 2 घंटा का मैं बैच लेता हूँ तो सिलेबस आपका पूरा हो पाता है, नहीं तो 1 घंटा का बैच में सिलेबस क्योंकि अकाउंट 1 घंटा आप ले रहे हैं तो फिर आप बीएसटी ईपीएस आईको पे कब आप समय देंगे, सवाल ये बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ अकाउंट पढ़ने से यदि हमारा यदि कामयाबी हमें मिल जाता तो फिर ये बीएसटी और ईपीएस आईको की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए बीएसटी बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स इसको अच्छे से पढ़ें अकाउंट के साथ और इंग्लिश की क्लास तो करते ही हैं तो आपके लिए बेस्ट नॉलेज भी होगा, अच्छा रिजल्ट भी होगा और आप कोई भी कंपिटिशन आगे करते हैं तो वहां पे आपको ढेर सारी मदद मिलेगी क्योंकि पीछे जड़ मजबूत रहेगा तो छीक भी आपका मजबूत होगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक ही, तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।